चार उंगली वाला स्ट्राइक और नीचे जा रहा है अंगठा वाला जो है वो डीप 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 है, समझ में आ रहा है। हाँ, अब डीप और स्ट्राइक डायरेक्शन किधर जा रही है उसको देख लिया। सबसे पहले हम यूज करेंगे ब्रंटन कंपास में स्ट्राइक को, दिस इज अवर कंसिडरेशन राइट। अपने को एक अच्छी तरीके से स्ट्राइक और डीप निकालने के लिए एक चीज चाहिए, रॉकी चाहिए, बेडी चाहिए, वो अपने को मिल गया। वहां पे अपने अपेरेंट निकाला था, यहां पे भी स्पेसिफिकली अपेरेंट ही रहेगा, बट हमको ये देखना है कि भाई इसका एंगल कितना मिल रहा है अपने को। अब वो प्रोटेक्टर वगैरह यूज करके तो अपन निकाल नहीं सकते, इसलिए ब्रंटन कंपास अपने को इस्तेमाल करना है। ब्रंटन कंपास को मैंने आपको बताया था, एक मेरा वीडियो है यूट्यूब पे, आपने देखा कि नहीं देखा डोंट नो, कि ब्रंटन कंपास को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, स्ट्राइक के लिए कैसा पकड़ा जाता है, डीप के लिए कैसा पकड़ा जाता है। तो जो मैंने आपको बोला कि ये जो बबल है सबने सीखना, एक बार सीख जाओ लास्ट ईयर आपका, इसके बाद आप एमपीएससी यूपीएससी कुछ भी करो, लेकिन ब्रंटन कंपास को सीख लो। सर हमें एमएससी करना नहीं है तो हमें कशाला सीखू, ऐसा कुछ माइंड में रखो मत, फील्ड पे आए तो थोड़ा बहुत तो सीखना जरूरी है अपने लिए, ठीक है। अब अपने को एक इमेजिन करना है कि एक लाइन को इमेजिन करना है, ये भी हो सकती, ये भी हो सकती, ऊपर की भी हो सकती, हम करते हैं इसको सीधा सीधा, है ना, तो अपने को ज्यादा तकलीफ नहीं जाएंगी। तो ब्रंटन को मैंने इस प्रकार से यहाँ पे रखा है, यू कैन सी। अब सेंटर में बबल जब तक नहीं आता तब तक रीडिंग गलत, बात को समझ लो, जब तक सेंटर में रीडिंग नहीं आता तब तक रीडिंग गलत, सेंटर में आया रीडिंग करेक्ट। पकड़ने का किस प्रकार से, यू कैन सी हियर, ऑब्जर्व हियर, एंड मैं यहाँ पे सेंटर में लाने की इसको कोशिश करता हूँ, तो आप देख रहे हो कि इसमें, अरे यार इसका नीडल तोड़ दिए क्या, वो वैसे ही है लेकिन ये टूटा हुआ है सर, ये ले लो वो देखो, ये हमारा वैसा नहीं है, वो नहीं देख रहे, ये ऐसा टिल्ट हो गया, दूसरा नहीं होगा वो, हां ये ले लो वो दूसरा वाला, तू कौन सा है, तू देख तो नहीं हमसे सच्ची, देखो वो जैसा है उसको पैक करके रख दो, ऐसा ही था, हां सर कल भी ऐसा ही था है ना, ओके। अब इसमें जो बबल है इसका बबल ही बढ़ गया, लियापत इसका बबल देखो कितना बड़ा हो गया, देख रहा ला तुम्हारा ला इधर, कैसा है, गलत बता के कोई मतलब नहीं है ना, हाँ ये ठीक है, ये बहुत बढ़िया है, थोड़ा ध्यान दो, ध्यान पूर्वक। अपन अभी क्या निकाल रहे, स्ट्राइक अमाउंट, स्ट्राइक अमाउंट, इसमें देखो एक नॉर्थ लिखा है, एक वेस्ट लिखा है, एक साउथ लिखा है, और एक लिखा ही नहीं है, तो लिखा नहीं है मतलब वेस्ट के अपोजिट में क्या होता है, ईस्ट होता है, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसको नॉर्थ की ओर रख के सेंटर में लाने की, ये हमारी इमेजिनरी लाइन है, अब इस बबल को सेंटर में लाने की कोशिश करेंगे। अब देखो आप कोई एक आओ और देखो सेंटर में है क्या, मैं गलत बोल रहा कि सही बोल रहा, वो उससे कोई मतलब नहीं अपने को, जो बुल्स आई वाला है वही स्ट्राइक का है, स्ट्राइक हम निकाल रहे हैं कंसिडरेशन, एक्चुअली है स्ट्राइक, लेकिन मैंने आपको बताया कि सेडिमेंट्री पे स्पेसिफिकली इसको निकाला जाता है, डीप अमाउंट तो अपन निकाल ही रहे। तो आप देखो सेंटर में आ गया, सबका आएगा, सब सीखेंगे इसको, सब देखेंगे, सेंटर में आ गया, सेंटर यहाँ पे एक नाव है, किसके लिए, इसको फिक्स करने के लिए, हलते रहता है, तो इसको फिक्स करने के लिए वाले इसको सेंटर में ले लिया, इसको फिक्स कर दो, वो किधर भी चले जाए, वो बबल किधर भी चले जाए, उससे अपने को कोई लेन देन नहीं है। और यहाँ पे आपका अमाउंट आया 216 डिग्री टुवर्ड्स साउथ वेस्ट, टुवर्ड साउथ वेस्ट, मैं साउथ वेस्ट क्यों बोल रहा हूं, देखो ये थोड़ा ध्यान रखना, दोनों तरफ की रीडिंग लिखते हैं अपन, ठीक है, लेकिन मैंने साउथ वेस्ट इसलिए बोला क्योंकि अपना ये जो साइड है ये वाला, नॉर्थ वाला नहीं ये वाला, तो ये साउथ वेस्ट है, दैट्स माय साउथ वेस्ट, मैंने आपको बताया, तो ये डिग्री में लिख लेना स्ट्राइक, ठीक है, तीन डिजिट में स्ट्राइक को लिखना है अपने को। देखो सब अलग अलग प्रकार से बताते हैं ब्रंटन कंपास, अपने अपने वैसे बताते हैं, थ्री डिजिट में स्ट्राइक को लिखना है, इट इज टोटली राइट, ठीक है। अब थ्री डिजिट में आपने स्ट्राइक को लिखा, ये स्ट्राइक अमाउंट हो गई, ये ऊपर वाला होता है स्ट्राइक अमाउंट वाला है, ऊपर वाला स्केल जो है ना वो होता, हाँ हाँ हाँ, ये 2D में आपने बनाया ऐसा होगा, लेकिन आप क्या करो जब ये बना रहे ना स्ट्रक्चर जो बना रहे ना उसी में उसको बताओ, टुवर्ड नॉर्थ, टुवर्ड वेस्ट, ईस्ट, जो भी है। अब स्ट्राइक को स्पेसिफिकली लिख दो जो मैंने बताया, सेंटर में आने के बाद कितना बताया 216, तो 216 ही लिखना, 15 तो 15, अभी आपने निकाल लिया। अब क्या करना है, अपने को कुछ चेंजेस करना है, स्ट्राइक अमाउंट को निकाल लिया, अब स्ट्राइक डायरेक्शन को निकालना है, तो डायरेक्शन तो बता ही दिया उसने, डायरेक्शन तो बता ही दिया, अब क्या करना है, अपने को निकालना है डीप, तो मैंने इसमें से स्केल कौन सी यूज किया,
स्केल ऊपर की, ऊपर वाली स्केल किसके लिए? स्ट्राइक के लिए। नीचे वाली डिप्टी। अब डीप जो होता है ना वो एडजस्टेबल होता है। एडजस्टेबल मतलब ये नीचे देखो इसको घुमाना पड़ता है, और लेवलिंग बबल सेंटर में आने के लिए बहुत मशक्कत करना पड़ता है। आ गया ऐसे से नहीं चलता, लाना पड़ता उसको सेंटर में। इस बात को समझो, वो सेंटर में आने के बाद में फिर अपन लिखेंगे डीप अब आउट। क्या लिखेंगे? डीप अब आउट। अब अपना डीप किधर जा रहा था? इधर। तो मुझे ब्रंटन इस प्रकार से पकड़ के कोई मतलब नहीं है, ऐसा तो नहीं पकड़ूंगा मैं। तो मैं क्या करूंगा, इसको चेंज करूंगा। अब मुझे ये सब दिखना चाहिए तो मैं साइड व्यू ले लूंगा मेरा खुद का, क्योंकि मुझे तो इसमें दिखेगा ना। सर हैमर दीजिए नीचे। क्या दो हैमर दो इनको, बरोबर ला के देना। सिर्फ एक ही हमारे क्या अपने पास? सर मेरा वो हाँ, तो तेजी वेल्डिंग निकाली थी हमें, तोड़ रखी थी। किसी के पास है हैमर? हाँ सर है। एक्स्ट्रा है क्या? दे दो उनसे वापस लेना, क्योंकि तुम्हारे नाम से है ना। अभी क्या नाम है? अभिषेक। अभिषेक सड़न के वो बरबर यश को देना, दूसरे को मत देना। क्या जो जिम्मेदारी दी है वो उनके पास दी है ना उसकी। हाँ तो अब इस प्रकार से ये हो गया, इसको ऐसा टिल्ट करना, और इसमें आवाज मत कर अब ठीक है ना। हाँ अभी ऐसा देखूंगा तो लेवलिंग बबल दिखेगा। ऐसा करके कोई मतलब है नहीं। लेवलिंग बबल को सबसे पहले इसको एडजस्ट करो। इसको एडजस्ट करते समय ये बबल घूमता है, कर रहे अतुल। अब ये नीडल से तो कोई काम है नहीं। ये नीचे वाली जो है सेंटर की, ये आया लगभग 40 के करीब। तो अब इसको अपन ऐसा रख के देखते है ना, इसको ऐसा रख के देखते और इसको सेंटर में लाते। सेंटर में लाने के लिए इसको मूव करना, आया आ गया एकदम सेंटर में, भरोसा रखो। तो ये देखो कितना चेंजेस बता रहा, देखा? इसलिए इस प्रकार से अब कोई दूसरा 43 कोई दूसरा ट्राई निकालने की कोशिश करो सेंटर में लाके। मैं ट्राई करूं? कोई एक स्टूडेंट इधर उधर आगे थोड़ा सा चेंजेस करके। सर मैं ट्राई निकालने की कोशिश मैं करूं? कोई भी करो कोई दिक्कत नहीं, फटाफट।